तहसील के बड़गोदा थाना क्षेत्र में आने वाले मांगलियां गांव में बुधवार को एक शव मिला था। उसकी हत्या महिला को परेशान करने के चलते की गई है। पुलिस का कहना है कि युवक एक महिला को फोन पर परेशान करता था। इसके चलते महिला के पति ने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर शव जंगल में जला दिया था। युवक के परिजन इससे इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक हंसराज ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं था। पुलिस द्वारा दिया गया बयान गलत है। परिजनों ने पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में हत्या की वजह का विरोध किया। शनिवार सुबह परिजनों ने डोंगर गांव चौकी पर प्रदर्शन किया, सड़क पर चक्का जाम करने का प्रयास किया। मांगलिया के जंगल में चरवाहों ने बुधवार को एक शव को जलते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। डीएनए टेस्ट के बाद मृतक की पहचान कुछ दिनों पहले किशनगंज थाना क्षेत्र के कटकटखेड़ी गांव से लापता हुए युवक हंसराज चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या महिला को फोन कर बार बार परेशान करने के कारण की गई है। ग्रामीण एसपी भगवत सिंह विरडे ने बताया कि 33 वर्षीय हंसराज मलेडी के रहने वाले आरोपी कन्हैया लाल की पत्नी को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। इसके बारे में हंसराज की कहासुनी भी हो चुकी थी। इसके बाद कन्हैया लाल ने हंसराज की हत्या करने की ठान ली। उसने इस काम में अपने साथी अजय सोलंकी और देवकरण वर्मा की भी मदद ली। कुशलगढ़ जाते समय हंसराज के सिर पर डंडे से वार किया और फिर उसकी हत्या कर दी और मृतक के सबको जंगल में खाई के नीचे जला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पर्यटक स्थल जाम गेट से बाइक को खाई में फेंक दिया ताकि पुलिस को जानकारी नहीं लगे। शुक्रवार को पुलिस ने जाम गेट की खाई से बाइक को बरामद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। लोगों को थाना बड़गोंडा में जंगल के अंदर एक शव के अवशेष मिले थे। आरोप पर ये पाया गया कि वो हंसराज जी जो है मेलंडी की किसी महिला से उनके जो प्रेम प्रसंग था, उसी बात को लेके महिला ने किशनलाल हंसराज